हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो आज हमें हमारे साथ लुवराज त्यागी। क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन कैंपस जॉब्स के बारे में। तो ये ऑन कैंपस जॉब करते हैं, कौन सी जॉब करते हो ऑन कैंपस? तो ऑन कैंपस जॉब्स जो मैं करता हूँ वो पीयर मेंटर की जॉब है। पीयर मेंटर की जॉब में कुछ ऐसा होता है कि यू हैव टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स, जो नए स्टूडेंट्स आते हैं आपके कॉलेज में उनको हेल्प करना होता है। बेसिकली यही जॉब है और जॉब इतनी ज़्यादा चिल है कि आगे वीडियो में पूरा बताऊँगा कि कैसे कैसे जॉब होती है, क्या क्या काम करना होता है और सब कुछ बताऊंगा जॉब के बारे में, तो एंड तक लगे रहना। सो गाइस, इन्होंने ये रहते हैं ब्रैम्पटन में और इनका है शेरिडन कॉलेज। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे DM करते हो इंस्टाग्राम पे कि मैं ब्रैम्पटन आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर लो, मैं ब्रैम्पटन आ रहा हूँ, आप किचनर में हो, कैसे आप मेरी हेल्प करोगे। तो मैंने ब्रैम्पटन का बंदा पकड़ लिया अपने साथ, ये लुवराज भाई हैं। तो इनका एक फेसबुक ग्रुप है, इनका फेसबुक ग्रुप का क्या नाम है? इंडो कैनेडियन स्टूडेंट एसोसिएशन। तो फेसबुक पे जाओ, इंडो कैनेडियन स्टूडेंट एसोसिएशन लिखो एंड जैसे वो आपको मिलेगा उसमें आपको मेरी फ़ोटो भी दिखाई देगी और अपना सारे स्टूडेंट्स वगैरह सबका दिखाई देगा। तो उसमें हम बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को या जो भी ब्रैम्पटन के अंदर या फिर ब्रैम्पटन मिसिसागा टोरंटो GTA में आ रहा है उसको हेल्प करते हैं अकोमोडेशन में और किसी भी चीज़ में, एक बंदे को दूसरे बंदे से कनेक्ट करवाते हैं। तो किचनर के लिए मैंने प्रियांशु व्लॉग्स का ग्रुप बनाया, उसका ग्रुप बनाया फेसबुक का। तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक गिवन होंगे फेसबुक के थ्रू, लुवराज भाई का वो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यूट्यूब के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनके एक्सपीरियंसेस। सबसे पहले आपको जो जॉब मिली है वो कैसे मिली है और आपको किसने रिकमेंडेशन दिया और कितने आवर्स आप काम कर सकते हो और उसका पे रेट कितना है? भाई तो पे रेट तो $14 पर आ रही है जो कि मिनिमम वेज रेट है, पर बेसिकली जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा इजी है एंड आपको अगर स्टूडेंट्स को हेल्प करना है या फिर जैसे मैं यूट्यूब पे करता हूँ कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा हूँ या फिर किसी को भी हेल्प करना पसंद है तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये जॉब पसंद आएगी क्योंकि इट्स फन व्हेन यू हेल्प स्टूडेंट्स लाइक अदर्स जो आपके ही जैसे हैं, जो आप एक साल पहले थे वैसे ही अब हैं वो, तो यू एग्जैक्टली नो कि उनको क्या चीज़ हेल्प चाहिए, क्या आप हेल्प कर सकते हैं उनको, तो वो सब करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो कितने आवर्स आप काम कर सकते हो, कितनी लिमिट है? तो मेरे को फ़िलहाल तो अभी वो 10 hours दे रहे हैं, जब रेगुलर September 2 मेरी जब भी क्लासेस चलेंगी तो मेरे को 10 hours देंगे। बाकी जब ब्रेक होता है वो 40 hours देते हैं और वो 40 hours पता भी नहीं लगता कि कब में 40 hours डन हो जाते हैं। तो इट मीन्स फीस निकालने में आपको प्रॉब्लम आई थी, आप कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे फीस निकालने में? यार देखो, फीस मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, डिपेंड्स ऑन यू भी कि कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस करते हो, बट जो फीस निकालने वाले बंदे हैं उनको कॉलेज दूसरे लेने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड नहीं भी होते या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी होती, वो जो हैं वो काम कर सकते हैं और फीसें निकाल सकते हैं। बट मेरे को नहीं लगता कि अगर आप किसी रिप्यूटेड कॉलेज में या फिर किसी अच्छे कॉलेज में जिसमें आपको एक्चुअली पढ़ना होता है उसमें आप जाओ तो आप फीसें निकाल सकते हो, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यही है। तो मोस्टली मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि बेसिक अगर हम नहीं निकाल सकते तो कितना मिनिमम तो कितना कमा सकते होंगे, थोड़े से तो पैसे बचेंगे ताकि घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मिनिमम आप कितना सेव कर चुके हो, लाइक $3,000 4,000, हालांकि आपकी फ़ीस $7,200 या $8,000 है? देखो, शेरिडन की जो फीस है वो 8,800 है, लाइक $8,800 है और वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेजेस हैं, पर मेरे को लगता है यार वर्थ इट है क्योंकि इतनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, इतनी सबको सर्विसेज मिलती हैं तो वो वर्थ इट भी है एंड यू हैव द बैच ऑफ अ शेरिडन स्टूडेंट एल्यूमिना है। तो ये जो कॉलेजेस हो गए, शेरिडन हो गए, कॉनेस्टोगा हो गया, सेंटिनियल हो गया, सैनिका हो गया, ये सारे वेल रिप्यूटेड कॉलेजेस हैं, तो इन सब में जब आप आते हो देन यू हैव लाइक अ पोटेंशियल टू गेट अ गुड जॉब। बाकी फीस के बारे में देखा जाए तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल लगता क्योंकि स्टूडेंट से लेकर जो कि सिटीजन है या फिर PR हैं जो जिनको 10-10 20-20 साल हो गए उनकी भी यही कंप्लेंट रहती है कि यार सेविंग नहीं हो पाती, हमारी सेविंग नहीं हो पाती, कैसे करें क्या करें। तो सेविंग में मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो नो है मेरी कि भाई नहीं हो पाएगा फीस का, तो इंडिया से अपना पूरा इंतज़ाम रखो। बाकी
$500,000-$600,000 अगर हो भी जाता है तो दैट्स नॉट अ लॉट। तो अगर शेरिडन वालों सुनो, जो शेरिडन में आ रहे हैं जनवरी इनटेक में, लुवराज भाई को पकड़ लेना। कहाँ मिलोगे आप लुवराज भाई इन्हें? देखो पहले तो जाओ सब्सक्राइब करो लवराज त्यागी चैनल को, और यूट्यूब पर मेरा चैनल है लवराज त्यागी, उसको जाकर सब्सक्राइब करो। वहाँ पर हम खूब बात करते हैं, कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप शेरिडन में आ रहे हो जनवरी में, और मैं आपसे पर्सनली मिलूंगा जो भी इवेंट होगा। आप मेरे को मैसेज करो इंस्टाग्राम पे लवराज _ त्यागी पे, एंड लिंक यहीं पे ही आपको दे देंगे भाई, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो ज़रूर मिलेंगे हम वहाँ पे। तो बात घुमा फिरा के यहीं आती है कि थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है वो निकालनी डिफ़िकल्ट है। मैंने भी आपको बताया था, बट मैंने अपने तरीके से बताया, वो वीडियो ज़रूर आएगी। लवराज भाई की जो $8,800 फीस है, और बहुत मुश्किल से $3,000-$4,000 जोड़े आपने। देखो यार, 2,500 से 2,000 के आसपास तक तो जुड़ने आसान है, बट द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज सेकेंड ईयर आपकी GIC नहीं होती, तो सेकेंड ईयर यू हैव टू लिव विदाउट GIC, और तो आपको उसका भी आगे प्लान करके रखना होता है कि आप कैसे अपने अर्निंग्स और अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करोगे, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप फीस ना भी इकट्ठी करो तो आप इंडिया से एक्सपेंसेस तो नहीं मंगवाओगे ना अपने, कि जो आप खर्चा कर रहे हो वो तो नहीं मंगवाओगे। तो आई ट्राई कि अपने एक्सपेंसेस और अपनी जो इनकम है वो बैलेंस आउट हो जाए, इक्वलाइज हो जाए। तो गैस जो ब्रैम्पटन में है प्लीज़ लुवराज त्यागी को कांटेक्ट करें, जो किचनर में है वो मुझे कांटेक्ट करें, और जो स्कारब्रो में है वो सेंटिनल कॉलेज वाले ऋषभ को कांटेक्ट कर लें, और जो मॉन्ट्रियल में है वो पारुल भाई को कांटेक्ट कर लें। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका फेसबुक का ग्रुप का लिंक, इनका यूट्यूब चैनल का लिंक, और इनका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा, और ये रिप्लाई बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, तो यही था कि यही टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी थी, तो लुवराज भाई के साथ कोलैबोरेशन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लुवराज भाई मिले हैं तो बहुत मुश्किल होता है कनाडा में टाइम निकालना, तो इतना टाइम निकालना, हमने टाइम निकाला आपके लिए, इसलिए आप भी 5 सेकंड निकाल लीजिए टाइम, वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बता के कि लुवराज भाई का चैनल कैसा लगा, और आपको मेरा कंटेंट और लुवराज भाई का कंटेंट कैसा लग रहा है। और कोई भी आपको वीडियोज़ चाहिए होती है ना, लुवराज भाई को कमेंट कर दो, अब वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि लुवराज भाई थोड़ा बिजी थे, उन्होंने स्टोरी भी डाली है, और अपडेट रहने के लिए हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है गाइस, वीडियो यार हर हफ्ते मेरी वेडनेसडे मॉर्निंग इंडिया के हिसाब से और ट्यूसडे नाइट कनाडा के हिसाब से आती है, हर हफ्ते, तो जाकर ज़रूर चेक करो। सो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, और मेरी वीडियो तो आपको पता है वेडनेसडे मॉर्निंग 9:30 कनाडा टाइम जोन और 7 बजे इंडिया टाइम जोन वेडनेसडे एंड सैटरडे दो वीडियोस आएंगी। ठीक है, सो गाइस अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। जो जनवरी इनटेक आ रहे हैं ब्रैम्पटन में आ रहे हैं वो प्लीज़ लुवराज को कॉन्टैक्ट करना। पीस, ओके, बाय बाय गाइस, ख्याल रखना अपना।